मैं सुनील कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस बीएचयू एंड यू आर वाचिंग एएसएस ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट दैट इज फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रूट काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर से आते हैं फ्रूट में, तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल डिस्कशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोटिवेशनल चैनल का लिंक दिया, उससे भी सब्सक्राइब करके हमारा आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन फ्रूट। फ्रूट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, फ्रूट से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो पहले शुरू करते हैं अपन कि फ्रूट के क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन है ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। कुछ फ्रूट ट्रू फ्रूट होते हैं, कुछ फ्रूट फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रू फ्रूट है क्या बेसिकली? तो ट्रू फ्रूट वो फ्रूट कहलाता है जो कि ओवरी से डेवलप करे। जो फ्रूट ओवरी से डेवलप करेगा दैट फ्रूट इज नोन एज ट्रू फ्रूट। और जो फ्रूट अदर देन ओवरी, किसी अदर पार्ट से डेवलप करे, ठीक है, ओवरी को छोड़कर, जैसे कि किसी केस में थैलमस से ग्रो करता है, थैलमस से ग्रो कर सकता है, कैलिक्स से ग्रो करता है, इन्फ्लोरेसेंस से ग्रो करता है, तो ऐसे कंडीशन में जो फ्रूट होंगे वो क्या कहलाएंगे? फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ओवरी से ग्रो करने वाला ट्रू फ्रूट एंड अदर देन ओवरी से ग्रो करने वाला फॉल्स फ्रूट। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या किया जाएगा, आपके एनसीईआरटी में मैंगो एग्जाम्पल दिया, आपके एनसीईआरटी में कोकोनट एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो मैंगो एंड कोकोनट विल बी कंसिडर्ड अंडर ट्रू फ्रूट। ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, बहुत शानदार ट्रिक है फ्रूट के, फ्रूट मजा आ जाएगा आपको याद करने में। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे अभी मैं बता पहले बता दो थोड़ा सा, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, कैसियो नट होगा, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैसियो नट, ये तीन एग्जाम्पल आपका सबसे जरूरी ध्यान रखना है। ठीक है, एप्पल, कैसियो नट एंड स्ट्रॉबेरी, ये काफी पूछा जाता है। एप्पल पूछा भी गया हुआ, स्ट्रॉबेरी, कैसियो नट, इसके अलावा भी और दो तीन एग्जाम्पल है आपके, नाशपाती होंगे, पियर है, स्ट्रॉबेरी है, इसमें जो मैंने बता ही दिया, सॉरी। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स होंगे, फिग हो जाएगा फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल। चलिए, तो आपको कम से कम ध्यान रखना है ट्रू फ्रूट में मैंगो, कोकोनट और फॉल्स फ्रूट में एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ओके, और कैसियो नट, ये ध्यान रखना आपको। ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ। सेकेंड क्लासिफिकेशन करते हैं तीन टाइप, पहला है सिंपल फ्रूट, दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट और तीसरा क्लासिफिकेशन है दैट इज कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट। ये जो सिंपल फ्रूट है ये प्रोड्यूस फ्रॉम ओनली वन फ्लावर, ठीक है, एक फ्लावर से प्रोड्यूस होने वाला है ये। एग्रीगेट भी एक ही फ्लावर से प्रोड्यूस होता है। कंपोजिट जो फ्रूट है ये एक इंटायर इन्फ्लोरेसेंस से आने वाला फ्रूट है। ठीक है, तो बहुत सारे फ्लावर्स है इसलिए तो नाम पड़ा है कंपोजिट। ठीक है ना, अब देखिए सिंपल और एग्रीगेट में डिफरेंस कहाँ रहा है, तो सिंपल जो फ्रूट है ये जो बनता है ये फ्रॉम सिनकार्पस ओवरी, किससे बनेगा? सिनकार्पस ओवरी से बनेगा। जबकि जो आपका एग्रीगेट फ्रूट है ये हमेशा बनेगा किससे? एपोकार्पस ओवरी से। ये डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में याद रहेगा आपको। एपोकार्पस ओवरी A4, ऐसे याद कर सकते हो आसानी से, A4A। ठीक है, तो एग्रीगेट फ्रूट में कौन सा कार्पस मिलेगा आपको? एपोकार्पस मिलेगा। ठीक है, फर्दर और डिवीजन है। ठीक है, ये मैं करता हूँ। फर्दर सिंपल फ्रूट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो है फ्लेसी फ्रूट, अभी सबका ट्रिक डिस्कस करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे, तो शुरू होने दीजिए। दूसरा ड्राई फ्रूट, ठीक है ना, और इस ड्राई फ्रूट को फिर तीन पार्ट में बांटा गया, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, और इस कंपोजिट फ्रूट को दो पार्ट में बांटा गया, पहला है सिंकोनस, ओके, और दूसरा है आपका सोरोसिस। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, नीरो पॉइंट भी उसका भी। चलिए अब शुरू करते हैं अपन, सबसे पहले सिंपल फ्रूट का डिस्कशन करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसमें बता दूंगा आपको। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन सिंपल फ्रूट। ठीक है, सिंपल फ्रूट को मैंने दो पार्ट में बताया था, फ्लेसी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। तो पहला जो डिस्कशन होगा वो है अपना फ्लेसी फ्रूट पर। ठीक है, पहला डिस्कशन होगा फ्लेसी फ्रूट पर। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो फ्लेसी फ्रूट क्या है? जिसमें फ्रूट वाल दैट इज नोन एज पेरिकार्प डिफ्रेंशिएटेड हो एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प में। सिंपल सा डिफिनेशन है फ्लेसी फ्रूट का, कि जिसमें आपके फ्रूट वाल क्या बोलते हैं लोग? पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, फ्रूट वाल क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। वो डिफरेंशिएटेड हो, पेरिकार्प को हम डिफरेंशिएट कर सके एपिकार्प में, मीजोकार्प में, इंडोकार्प में, दैट टाइप ऑफ फ्रूट आर नोन एज फ्लेसी फ्रूट। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जांपल में। अब यहीं पर आपको ट्रिक का जरूरत पड़ेगा, मैं ट्रिक बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, पहला आपका ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट में भी एनसीईआरटी दिया आपको, मैंगो, ठीक है, कोकोनट, ओके, एंड आलमंड। मैंगो, कोकोनट एंड आलमंड जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया, ध्यान रखना, मैंगो, कोकोनट एंड आलमंड। चलिए
ड्रूप फ्रूट याद रहता है, ठीक है। अब मैं ट्रिक बताऊंगा एक साथ ही, चिंता न करें। अगला टाइप है फ्लेशी फ्रूट का, बेरी, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा, टोमेटो, ब्रिंजल। अब एक चीज़ बताइए आप, टोमेटो ब्रिंजल में क्या होता है, दाना दाना प्रेजेंट होता है ना, दोनों में दाना दाना प्रेजेंट होता है, ब्रिंजल में भी दाना दाना प्रेजेंट होता है। और आप जानते होंगे कि ये दाना दाना जो सॉलिड फॉर्म होता है ये गॉल स्टोन करने में काम आता है, गॉल स्टोन मतलब कॉज करता है ये सब, ठीक है। इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि टोमेटो ब्रिंजल सब नहीं खाया करो जिसको स्टोन का प्रॉब्लम होता है। यानी क्या हो गया, टोमेटो हुआ, ब्रिंजल हुआ, क्या है हमारे जिंदगी के लिए, क्या है बेरी है, बेरी में तो क्या होता है दुश्मन, ठीक है। तो हमारे जिंदगी के लिए टोमेटो ब्रिंजल ये क्या है, बेरी है, क्योंकि ये स्टोन कॉज कर सकता है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तीसरा पेपो, इसका एग्जांपल है आपका, पेपो में पूरा कुकुरबिटेसी फैमिली आता है, कुकुरबिटेसी फैमिली की मीन्स वही कुकुम्बर, खीरा वाला खीरा, वाटरमेलन, ठीक है, कि करेला, खरबूजा, ये सब आता है कुकुरबिटेसी फैमिली। देखिए तो पेपो, पेपो जो राजस्थान में होता है ना, पेपो का मतलब होता है बहुत बड़ा बर्तन, ठीक है, पेपो का मतलब होता है बहुत बड़ा बर्तन। तो बहुत सब में इसी में जो सलाद बनता है ना, सलाद किसे बनता है, सलाद में मेनली क्या आता है अपना, कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो सलाद बनाने में हेल्प करते हैं। तो शादी में क्या होता है, सलाद कट कट के हम लोग पेपो में रखते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है सर लोगों को, ये डी सर ट्रिक है, पेपो में खीरा, खीरा में पेपो, ठीक है। तो पेपो में क्या डाल रहे हो आप, खीरा डाल रहे हो, ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली को कहाँ डाल रहे हो आप, पेपो में डाल रहे हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज फोर पोम। अब देखिए ध्यान से, इसके दो एग्जांपल है आपको ध्यान रखने हैं पोम को, ठीक है, एक है एप्पल और एक है पियर। आप ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लीजिए सुबह में आपके घर में नाश्ता नहीं बनता, तो डॉक्टर साहब ऐसे भी डॉक्टर क्या बोलता है, एप्पल है डे डॉक्टर है भाई, ठीक है। तो मान लीजिए आप जा रहे हो, आपको ऑफिस में लेट हो गया, तो आप नाश्ता नहीं कर पाओ, तो क्या करोगे आप, खाने के लिए आपने एक एप्पल ले लिया है, ठीक है, और एप्पल आप खाते हुए चले जा रहे हो, काफ़ी जाम लगा हुआ है, ओके, तो आप अपना हॉर्न बजा रहे हो, पो पो, एप्पल भी खा रहे हो, हॉर्न भी बजा रहे हो, पो पो पो, ठीक है, एप्पल भी खा रहे हो, एप्पल है, नाशपाती है आपके पास, ठीक है, ये दोनों फ्रूट आप खाते जा रहे हो, एप्पल और नाशपाती रेसिपी है, ये दोनों खाते जा रहे हो, और पो 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 गाड़ी का हॉर्न बजाते जा रहे हो, ताकि आप खा रहे हो तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी कर सकता है, इसलिए आप पहले ही उससे हॉर्न बजाते जा रहे हो साथ साथ में, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, पो 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 पो, आप ध्यान रखना, ठीक है, जैसे कि एप्पल और पियर आपको ध्यान रहेगा, ओके। चलिए ये थे चार अभी तक फ्रेशी फ्रूट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, यही चार आपको ध्यान भी रखना है। अब आते हैं हम लोग ड्राई फ्रूट में, ये थे अभी तक के फ्रेशी फ्रूट, और अपन डिस्कस करेंगे ड्राई फ्रूट्स के बारे में। तो ड्राई फ्रूट के को किसको कहेंगे, जिसमें कि आपका पेरिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प में डिफ्रेंशिएटेड ना हो, उसको किस क्या बोलेंगे, ड्राई फ्रूट, ठीक है। फिर इस ड्राई फ्रूट को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, इस ड्राई फ्रूट को तीन पार्ट में बांटा गया है, पहला है इनडेहिसेंट, दूसरा है आपका डेहिसेंट, इनडेहिसेंट, डेहिसेंट, तीसरा है साइजोकार्पिक, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहला है इनडेहिसेंट, ठीक है, इनडेहिसेंट, मैं बोल रहा हूँ फ्रूट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है इसमें, इनडेहिसेंट फ्रूट। इसका इसको क्या इनडेहिसेंट नाम से पता चल रहा है कि दिस फ्रूट्स डू नॉट रप्चर, ठीक है, डेहिसेंस मीन क्या होता है रप्चर, तो इनडेहिसेंट मीन ये फ्रूट्स रप्चर नहीं करते, ये फ्रूट्स डेहिसेंस नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पहला एग्जाम्पल है सिपसेला, तो सिपसेला मिलता है आपको कंपोजिटिव फैमिली में, ठीक है। तो जो मेरे वीडियोस को पहले से देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी वाले सारे वीडियोस को देखे होंगे, वहाँ मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि जो कंपो है, ठीक है, इस कंपो का शादी हुआ था किससे हुआ था, पप्पू से, ठीक है, और उस शादी में सभी लोग क्या कर रहे हैं, सिप पी रहे थे, सिप मतलब होता है ना पीने वाला, जिसमें मतलब खाना खाने से पहले शादी में पिलाते हैं, सिप जिसको बोलते हैं, सूप, सूप बोल सकते हैं, सूप बोलो, ठीक है, या सिप बोलो उसको, ठीक है। तो कंपो के शादी में तो कंपोजिटिव फैमिली में पेपर्स कंडीशन मिलता था, और फ्रूट जो मिलेगा उसको सिपसेला बोलते हैं, ठीक है। तो कंपो के शादी में पप्पू सिप ले रहा था साला, ऐसे ध्यान रखना, वो कंपो के शादी में पप्पू सिप ले रहा था साला, ठीक है, तो सिप पी रहा था पप्पू बैठ के, तो ये ध्यान आ जाएगा आपको। अगला देखते हैं, अगला है कैरियोप्सिस, ठीक है, कैरियोप्सिस में एग्जांपल आएंगे आपके भाई ग्रैमिनी फैमिली वाले, ग्रैमिनी फैमिली मीन्स जिसमें क्या आ गया आपके, वीट हो जाएंगे, राइस हो जाएगा,
मेज हो जाएगा, जो जिसका हम लोग खेती करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हो ये वीट राइस मेज ये सब खेती करते हैं। तो आप क्या करते हो, मार्केट जा रहे हो तो मार्केट में क्या करोगे, कैरी बैग एक उठाओगे, ठीक है, और उस कैरी बैग में ये सब रखोगे और लेके आओ घर पर। तो वीट हुआ, राइस हुआ, मेज हुआ, इनको इनको घर लाने के लिए क्या यूज करोगे आप, कैरी बैग, ठीक है ना। वीट हुआ, राइस हुआ, मेज हुआ, इनको आप यदि घर लाना तो आप क्या यूज करोगे, कैरी बैग, ठीक है। तो कैरी अपसिस में क्या हो जाएगा, ग्रामीणी फैमिली, ध्यान रखना आप, ठीक है ना भाई। चलो अगला आपका काफी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा भी जाता है नट, ठीक है, ये पूछा भी गया 2-3 बार नीट में। नट कहाँ मिलता है, यही ध्यान रखना आपको, लीची में, यही पूछते हैं वो, ठीक है। लीची में कौन सा फ्रूट मिलता है, नट, कौन सा टाइप होगा, नट, ठीक है। ये थे इंडेहिसेंट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, डेहिसेंट, ठीक है। चलिए तो इसमें पहला जो है वो है लेग्यूम। तो लेग्यूम नाम से पता चल गया, लेग्यूम कहाँ मिलेगा, लेग्यूमिनेसी फैमिली में, ठीक है। लेग्यूम या पॉड, पहला जो फ्रूट का टाइप हो गया है लेग्यूम या पॉड, तो एक इसमें मिलेगा आपको, लेग्यूमिनेसी फैमिली में, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा है आपका इसमें सिलिक्यूला, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, क्या है, सिलिक्यूला, ये मिलता है आपको ब्रैसिकेसी फैमिली में, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेगा आपको, ब्रैसिकेसी फैमिली में, ठीक है। सिलिक्यूला कहाँ मिलेगा आपको, ये ब्रैसिकेसी फैमिली में मिलता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको। इसमें तो क्या होगा, सिलिक्यूला को कैसे ध्यान रखें, तो सिलिक्यूला को कैसे ध्यान रखते हैं, सिलिक्यूला सेल, बेचने वाला, ठीक है, बेचने वाला। तो जो सेल करता है, और मतलब मान लीजिए ये सेल करने वाला आदमी है, ठीक है, ये खरीदने वाला आदमी है, तो जो सामान इसको बेचा है उससे यदि इस आदमी को यदि वो चीज़ रास आ गया, ठीक है, यदि वो चीज़ इसको रास आ गया तो इसका दुकान चलेगा, अगली बार भी आदमी इसके पास आएगा इससे खरीदने के लिए सामान, तो क्या सेल ऐसा करो आप ताकि रास आ जाए उसको, ठीक है। तो ब्रैसिका रास सेलेक्ट कर देना आप, ठीक है ना। चलिए इसमें ये सिलिक्यूला था, ठीक है, ये सिलिक्यूला था। अब सिलिकुला, सिलिकुला इसमें है कैप्सूला एग्जांपल इसका, ये एक तरह का रिड्यूस फॉर्म ऑफ सिलिक्यूला ही है, जो सिलिक्यूला फ्रूट होता है ना वो रिड्यूस फॉर्म ऑफ सिलिक्यूला ही होता है। इसका एग्जांपल क्या है, कैप्सूला, ठीक है, क्या एग्जांपल होगा, कैप्सूला, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, छोटा सा, ज्यादा मुश्किल नहीं, ज्यादा आपको रटना नहीं है, ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप देखते चलना, बस हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपको साइजोकार्पिक फ्रूट में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। फिर इम्पोर्टेंट है आपके लिए कंपोजिट फ्रूट, क्या इम्पोर्टेंट है, कंपोजिट फ्रूट का एग्जाम्पल काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कंपोजिट फ्रूट सबके सारे के सारे कंपोजिट फ्रूट कैसे होंगे, फॉल्स फ्रूट होंगे, ये तो पता चल गया, क्योंकि मैंने बताया था कंपोजिट फ्रूट कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, कंपोजिट फ्रूट कहाँ से आ रहे थे, इन्फ्लोरेसेंस से आ रहे थे, ठीक है, ओवरी से नहीं आ रहा, इन्फ्लोरेसेंस से आ रहा। तो ये सारे के सारे कंपोजिट फ्रूट क्या होंगे, फॉल्स फ्रूट। तो ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑल कंपोजिट फ्रूट्स आर फॉल्स फ्रूट, ठीक है ना भाइयों। चलिए इसमें पहला देखते हैं हम लोग सोरोसिस, ठीक है, ये स्पाइक, स्पैडिक्स, कैटकिन, ये सब जो हम लोग पढ़े थे इन्फ्लोरेसेंस में, उससे डेवलप होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है सोरोसिस का, पाइन एप्पल, बता रहा हूँ, ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, कटहल और शहतूत, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये जो सोरोसिस है ना, ठीक है, सोरोसिस, इसमें इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, चलो थोड़ा सा रुक जाओ, पहले देख लो और आगे भी। अगला है सिंकोनस, ठीक है, सिंकोनस आपको कहाँ मिलेगा, वही फाइकस वाले फैमिली में, ठीक है, फाइकस स्पीसीज में, ओके। तो इसको ऐसे ध्यान रखना आप, हाई फाई साई, जो साई बाबा अपने हैं वो कैसे हैं, हाई फाई हैं, ठीक है, हाई हाई फाई, बहुत सारा सोना उन पर चढ़ता है ना, तो हाई फाई साई, तो अपने जो साई बाबा कैसे हैं, हाई फाई है, तो हाई से याद रहेगा आपको किसके अंदर, जो फाइकस स्पीसीज, देखिए फाई से याद रहेगा आपको फाइकस स्पीसीज, क्या रहेगा, फाइकस स्पीसीज, हाई से याद रहेगा हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस मिलता है फाइकस स्पीसीज में, और फ्रूट कैसा मिलता है आपको, सिंकोनस मिलता है, ठीक है। तो हाई फाई साई याद रखना आपको, क्या रखना है, हाई फाई साई, ठीक है, तो सिंकोनस, फाइकस स्पीसीज, हाइपेंथोडियम, याद रहेगा ना, बोलिए बोलिए बोलिए, याद रहेगा। चलिए तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के नाम, ठीक है, जो कि काफी पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, इसका सोरोसिस का ट्रिक दे लो, सोरो मीन्स क्या होता है, दुखी होना, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पीके, ठीक है, पीके पाकिस्तान, पीके मीन्स
पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो करतूत है, सहतूत नहीं, करतूत, पाकिस्तान, पीके, पाकिस्तान का जो करतूत है उसे सभी लोग दुखी रहते हैं, ठीक है। तो पी से पाइनएप्पल, के से कटहल, एंड करतूत से सहतूत से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये थे फ्रूट्स के ट्रिक्स, जितना आपको नीट में यूजफुल होगा, ठीक है ना। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ट्रिक कैसे लग रहे हैं, ठीक है।